गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था? कल हम लोगों ने बेसिक प्रिंसिपल देख लिए थे, ठीक है, केडी करंट टेस्टिंग कैसे हमारा उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से वर्क करती है, फैक्टर्स कौन कौन से उसे अफेक्ट करते हैं, और एडी करंट टेस्टिंग की कौन कौन सी क्या है करेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन से उसकी स्पेशलिटीज हैं, इसके बारे में हम लोगों ने कल बात कर ली थी। क्लियर? ठीक है, तो अब हम लोग आज क्या शुरू करते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं कि रियल में एडी करंट टेस्टिंग किस तरीके से परफॉर्म होती है, कितने मोड्स में। तो सबसे पहले मोड्स ऑफ ऑपरेशन क्या देख रहे हैं, मोड्स ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, मोड्स ऑफ ऑपरेशन यानी कितने तरीके से ईडी करंट टेस्टिंग परफॉर्म की जा सकती है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन जो यूज होता है वो होता है एब्सोल्यूट प्रूफ। क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रूफ। क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रूफ। एब्सोल्यूट प्रूफ में क्या होता है, इसमें देखिए सिंपली टू कॉइल्स होती है। क्या होती है? इसका सिंपली कॉन्फ़िगरेशन है कुछ ऐसा है, हम लोगों ने कल बेसिक एलिमेंट देखे ही थे, क्या क्या होना चाहिए हमारे पास, एक एसी जनरेटर होना चाहिए, ठीक, दूसरा क्या होना चाहिए, एक डिस्प्ले होनी चाहिए और कुछ कॉइल सर्किट्स होने चाहिए। ठीक, तो इसमें एब्सोल्यूट प्रूफ में एक हमारे पास कॉइल होती है इधर और एक होती है इधर, ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या कर दिया जाता है, एक एसी सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। क्या प्रोवाइड की जाती है? एक एसी सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। क्लियर? ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं इसको, जो जो ये कॉइल है इसको सिंपली क्या कहा जाता है, रजिस्टर कॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपली रजिस्टर कॉइल, रजिस्टर कॉइल, या इसी को ट्रांसमीटर कॉइल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसमीटर कॉइल। क्या कहा जाता है? ट्रांसमीटर कॉइल। क्लियर? ठीक है, वही दूसरी तरफ जो ये कॉइल है इसे हम कहते हैं टेस्ट कॉइल। क्या कहते हैं? टेस्ट कॉइल। क्या कहते हैं? टेस्ट कॉइल। ठीक है, इसमें क्या कर दिया जाता है, जिस मटेरियल की हमें टेस्टिंग करनी होती है वो इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, यानी टेस्ट स्पेसिमेन हमारी टेस्ट कॉइल के अंदर रखा जाता है। ठीक है, और जो हमारी रजिस्टर कॉइल है इसमें या ट्रांसमीटर कॉइल है इसमें हम क्या करते हैं, अपना स्टैंडर्ड स्पेसिमेन फिट करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ हमारा स्टैंडर्ड स्पेसिमेन होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड स्पेसिमेन यानी जिसमें किसी भी तरीके का डिफेक्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर, और इन दोनों के बीच में जिस तरीके का अंतर होता है उसको मेजर करने के लिए एक यहाँ पे डिटेक्टर लगा होता है। क्या लगा होता है? डिटेक्टर लगा होता है। क्लियर, अब जरा समझते हैं कैसे ये वर्क करती है एब्सोल्यूट प्रूफ में। तो एब्सोल्यूट प्रूफ में क्या होता है, जैसे ही एसी सप्लाई प्रोवाइड होती है तो ये सिंपली ट्रांसमीटर कॉइल क्या करती है, इसका एक फंक्शन है कि सिंपली बैलेंस द ब्रिज सर्किट। एक काम और क्या करती है, बैलेंस द ब्रिज सर्किट, जिस सर्किट में लगी होती है उस सर्किट को बैलेंस करने का भी काम करती है। क्लियर, अब इसके अंदर क्या है, स्टैंडर्ड स्पेसिमेन है। तो अब जैसे ही इसके कॉइल के अंदर क्या होगी, करंट पास होगी, तो करंट क्या जब ये करंट पास होगी तो सीधी सी बात है उसका कुछ, यदि खाली कॉइल होती मेरे पास, ठीक है, ये सिंपली कोई कॉइल होती और इससे करंट यदि आई पास हो रही होती, ठीक, तो इस समय जो करंट पास होती है इसका मैग्नीट्यूड क्या होता, कुछ ज्यादा होता कंपैरिजन टू यदि मेरे पास उसके अंदर मैंने कोई स्पेसिमेन यदि लगा दिया है तो उसके, ठीक है, क्लियर। अब जरा समझते हैं कि यदि मान लीजिए कॉइल है, कॉइल में करंट गई तो करंट ने क्या किया, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देती है। करंट क्या करेगी, इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड जब मेरे इस कंडक्टिंग मटेरियल जो जिसको हमने स्टैंडर्ड या टेस्ट स्पेसिमेन इनके संपर्क में आएगी तो इनमें क्या कर देती है, ईडी करंट का जनरेशन करती है। ठीक, जैसे ही ईडी करंट का जनरेशन होता है, जैसे ही ईडी करंट का जनरेशन होता है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे बहने वाली जो कॉइल है, कॉइल में जो करंट बह रही है, यदि ये मान लीजिए कॉइल है और इसमें जैसे ही टेस्ट स्पेसिमेन में हमारे पास क्या होंगी, ईडी करंट का जनरेशन होगा, ठीक, तो क्या होगा, जो ये करंट आई बह रही थी पहले वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कुछ ना कुछ कम हो गया होगा। ठीक है, आई डैश हो गया, समझ में आ रहा है, फिर से समझ लीजिए क्या है, जैसे मान लीजिए खाली कॉइल है, खाली कॉइल में कुछ करंट बह रही है, ठीक, इसको आपने मेजर कर लिया, जब अब इसमें क्या हुआ,
इसको यदि मान लीजिए मैंने इसके अंदर अब कोई स्पेसिमेन रख दिया तो इसमें क्या होगा, ईडी करंट जनरेट होगी। तो अब ये जो पावर, पावर क्या, पावर थोड़ी पैदा हो गई ठीक, तो ये जो पावर इसके अंदर थी वही पावर इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसी वजह से जो इसमें करंट बह रही होगी मेरी इस कॉइल में, वो क्या हो गई अब कुछ ना कुछ आई डैश क्या हो गई होगी, कुछ ना कुछ कम हो गई होगी जैसे ही मैंने ये रखा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मीजर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, मीजर कर सकते हैं ठीक है। करंट को इजी मीजर किया जा सकता है थ्रू ए मीटर, ठीक है क्लियर। तो यही इसी प्रिंसिपल को सिंपली इसमें अप्लाई करके देखते हैं। तो क्या हुआ, यहां पे करंट आई कॉइल में, क्या हुआ कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की और इसमें एक ईडी करंट का जनरेशन हुआ ठीक। ये जो ईडी करंट जनरेट होने के बाद इससे जो करंट गई मान लीजिए ये आई है ठीक है। फिर करंट इसी तरीके से यहां पे जब करंट पहुंची तो यहां पे टेस्ट स्पेसिमेन रखा हुआ है तो यहां पे किसी तरीके की करंट क्या आई, आई डैश आई। ये क्या है, मेरा स्टैंडर्ड स्पेसिमेन है यानी उसमें किसी भी तरीके का डिफेक्ट नहीं है तो कोई दूसरी करंट जनरेट करेगा। लेकिन ये कैसा है, टेस्ट स्पेसिमेन है, हो सकता है इसमें डिफेक्ट हो तो इसमें जो करंट आएगी वो क्या होगी, किसी दूसरे तरीके की करंट होगी। और इन दोनों में यदि किसी तरीके का डिफरेंस है तो डिटेक्टर क्या करेगा, उसे एनालाइज कर लेगा और मुझे क्या पता उसको उस सिग्नल को कहां भेज देगा, डिस्प्ले में भेज देगा। कहां में भेज देगा, डिस्प्ले में भेज देगा और मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो टेस्ट स्पेसिमेन है उसमें किसी भी तरीके का डिफेक्ट मौजूद है। क्लियर ठीक है, क्लियर है ना। देखिए स्टैंडर्ड स्पेसिमेन की वजह से टेस्ट कॉइल में कोई दूसरी करंट होगी और ये टेस्ट स्पेसिमेन हो सकता है यदि इसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा तो ये दोनों करंट क्या हो जाएंगी, बराबर होंगी। यदि ये मेरा स्टैंडर्ड स्पेसिमेन और टेस्ट स्पेसिमेन दोनों ही डिफेक्ट फ्री है तो ये जो करंट होगी दोनों कॉइल में वो कैसी हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी ना। और यदि सिमिलर हो जाएगी तो डिटेक्टर को किसी भी तरीके का डिफरेंस क्या होगा, मीजर ही नहीं होगा और फिर वो डिस्प्ले में क्या बताएगा कि सेम करंट जनरेट कर देगा तो हमें मतलब जीरो करंट देगा, क्या देगा उस कंडीशन में, डिटेक्टर को किसी भी तरीके करंट का एनालाइजेशन नहीं होगा और वो क्या जीरो करंट डिस्प्ले कर देगा। तो हमें पता चल जाएगा मटेरियल कैसा है, डिफेक्ट फ्री है। वही यदि डिफेक्ट होगा तो इन दोनों करंट्स में कैसा होगा, कुछ ना कुछ अंतर होगा और उसे डिस्प्ले करेगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि मटेरियल में डिफेक्ट है। क्लियर, तो ये इस किसकी वर्किंग है, एब्सोल्यूट प्रूफ की वर्किंग है ठीक है, क्लियर है ना ठीक है। तो सिंपली क्या, एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन की करंट, दूसरी टेस्ट स्पेसिमेन की करंट, वर्किंग प्रिंसिपल सिमिलर है, दोनों के डिफरेंस को मीजर करने के लिए एक डिटेक्टर और उसका जो रिजल्ट डिस्प्ले जहां पे दिया जाएगा वो डिस्प्ले ठीक। और ये सिंपली एब्सोल्यूट प्रूफ की वर्किंग हो गई क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं और कौन सा मोड ऑफ ऑपरेशन हो सकता है। तो नेक्स्ट में जो आता है वो है डिफरेंशियल प्रूफ। क्या आता है, नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन यूज की जाती है वो होती है डिफरेंशियल प्रूफ। क्या होती है, डिफरेंशियल प्रूफ। एक ही डिफरेंशियल प्रूफ में क्या होता है, एक ही एलिमेंट के हम अलग अलग हिस्से में क्या करेंगे, डिफेक्ट को सर्च किया जा सकता है ठीक। उसमें किसी भी तरीके की स्टैंडर्ड स्पेसिमेन की से कंपेयर करने की जरूरत नहीं होती। तो जरा अगला क्या है, डिफरेंशियल प्रूफ। क्या है, डिफरेंशियल प्रूफ। इसमें क्या है, एक ही मटेरियल में हम आपस में कंपेयर कर लेंगे और किसी भी तरीके के हमें स्टैंडर्ड से कंपेयर करने की इसमें जरूरत नहीं होगी। तो देख लेते हैं इसका कैसा कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें भी ये दो रजिस्टर इसी तरीके से और ये डिस्प्ले में जा रहा होगा, किस पे जा रहा है, डिस्प्ले में क्लियर। फिर इसके बाद यहां से गई एक कॉइल आ गई ठीक है, वहीं फिर यहां से जो ये दूसरा सिरा है यहां से एक दूसरी कॉइल निकलेगी ठीक है। इसको थोड़ा सा ठीक है ऐसे देख लीजिए और इसको यहां से ऐसे और यहां पे अप्लाई किया है आपने एसी करंट ठीक है, एसी करंट। अब ये क्या होगा कि अब मेरे पास इसमें क्या डिफरेंशियल प्रूफ है तो एक ही टेस्ट स्पेसिमेन होगा, क्या टेस्ट स्पेसिमेन होगा और उसमें ही ये पहली कॉइल होगी और ये दूसरी कॉइल होगी ठीक है, इस तरीके से क्लियर ठीक है। तो इसमें क्या है, दोनों कॉइल क्या है एक ही टेस्ट में स्पेसिमेन में क्या है हमारे पास इनबिल्ट होती हैं। ये
टेस्ट स्पेसिमेन है इसके बीच में, क्लियर। तो अब इन दोनों से, अब इन दोनों के बीच में डिटेक्टर लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में क्या लगाया है, डिटेक्टर, यानी इसके और इसके बीच में क्या लगा दिया, डिटेक्टर। तो जरा देखते हैं अब क्या होगा। अब जैसे ही ये मेरी, मान लीजिए ये पहली कॉइल, ये दूसरी कॉइल, ठीक, तो पहली कॉइल किसी दूसरे हिस्से पे है और दूसरी कॉइल क्या है, किसी दूसरे हिस्से पे है, ठीक। तो यदि इन दोनों हिस्सों में भी कहीं पे भी आपस में डिफरेंस हुआ, ठीक, तो यहां से जनरेट होने वाली करंट को मेजर कर रहा है डिटेक्टर, और यहां के होने वाली, दूसरी कॉइल के होने वाली करंट को डिटेक्ट करेगा। मान लीजिए यहां से जाने वाली करंट कुछ हाई है और यहां से आने वाली, यदि दोनों हिस्सों में कोई डिफरेंस हुआ तो यहां वाली करंट कुछ आई डैश मेजर करेगा, और इन दोनों हिस्सों से जो करंट है उनमें यदि किसी भी तरीके का डिफरेंस हुआ तो कौन एनालाइज कर लेगा, ये डिटेक्टर एनालाइज कर लेगा, और हमें पता चल जाएगा कि भाई इन दोनों हिस्सों में आपस में किसी न किसी एक हिस्से में क्या है, खामी है, किसी न किसी एक हिस्से में क्या हुआ है, डिफेक्ट है, क्लियर। यदि मान लीजिए एक जनरल, यदि एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन रखेंगे तो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन होगा तो डिफेक्ट फ्री होगा, तो दोनों ही तरफ क्या हो, पूरे होल हिस्से में एक जैसी करंट होगी, यानी आई और आई, ये दोनों आई डैश क्या होगी, आपस में उस समय बराबर होंगी। वहीं यदि इसी स्पेसिमेन में भी कहीं पे भी किसी भी तरीके का, मान लीजिए ये हिस्सा है, ठीक, इस हिस्से को, इस हिस्से को आप चेक कर रहे हैं, तो इस दोनों हिस्सों में यदि किसी भी तरीके का डिफेक्ट नहीं होगा तो दोनों से जनरेट होने वाली करंट भी कैसी होंगी, सिमिलर होंगी, और यदि दोनों करंट सिमिलर होंगी तो डिटेक्टर को किसी भी तरीके करंट में डिफरेंस नहीं मिलेगा, और यदि डिफरेंस नहीं मिलेगा तो उस रिजल्ट को क्या यहां पे डिस्प्ले कर देगा भाई कि किसी भी तरीके का डिफेक्ट नहीं, यानी जीरो करंट है, ठीक है। वहीं यदि किसी एक हिस्से में मान लीजिए डिफेक्ट हुआ तो इन दोनों करंट्स में क्या होगा, इन दोनों करंट में अंतर आएगा, और उसको एनालाइज करके डिटेक्टर डिस्प्ले कर देगा कि भाई इस हिस्से में क्या है, डिफेक्ट है, क्लियर, ठीक है। तो ये कौन सी वर्किंग है, डिफरेंशियल प्रूफ की। इसमें क्या होता है, हमें स्टैंडर्ड स्पेसिमेन की जरूरत नहीं होती, ठीक है, स्टैंडर्ड स्पेसिमेन से हम इसमें कंपेयर नहीं करते। इसमें क्या होता है, एक ही स्पेसिमेन को हम इधर उधर करके उसके पूरे हिस्से में ये देखते हैं कि कहीं किसी भी तरीके का डिफेक्ट है तो नहीं, मतलब उसी स्पेसिमेन में क्या किसी भी तरीके का डिफेक्ट हो तो वो हमें पता चल जाता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, क्या है, ये सिर्फ डिटेक्ट डिफेक्ट्स विच हैज लॉन्ग इंस, ऐसे डिफेक्ट को ही सिंपली डिटेक्ट कर सकता है जो बड़े होंगे, क्या होंगे, बड़े होंगे, नॉट सुटेबल टू डिटेक्ट ग्रेजुअल डिफेक्ट्स को देखने के लिए ये सुटेबल नहीं होता। मतलब यदि मान लीजिए इन दोनों हिस्से में ही क्या हो, एक जैसे ही इसमें भी डिफेक्ट है, बस अंतर हो सकता है कि थोड़ा छोटा बड़ा हो, तो ऐसे डिफेक्ट को मीजर नहीं करेगा। ले यदि दोनों में डिफेक्ट में एक बड़ा अंतर है तभी ये हमारा डिफरेंशियल प्रूफ काम करेगा, अदरवाइज यदि थोड़े थोड़े में दोनों में ही डिफेक्ट है तो क्या हो जाएगा, तब भी ये मेरा कॉइल सर्किट क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा, ये इसकी सबसे बड़ी खामी होती है, क्लियर, ठीक है। तो डिफरेंशियल सर्किट क्लियर है, डिफरेंशियल प्रूफ कैसे काम कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। तो अब भाई डिफरेंशियल में फायदा क्या था, कि किसी भी तरीके के स्टैंडर्ड स्पेसिमेन से मुझे कंपेयर करने की जरूरत नहीं थी, एक ही से मैं काम चला ले रहा था। और दूसरे में क्या था, उसमें हम क्या कर रहे थे, एब्सोल्यूट में, कि स्टैंडर्ड स्पेसिमेन से क्या कर रहे थे, कंपेयर करके इसकी वैल्यूज चेक कर रहे थे कि हमारे स्टैंडर्ड स्पेसिमेन से कितना डेविएशन हो रहा है, ठीक है। तो भाई इन दोनों को ही मिला करके एक सर्किट बनाया गया जिसे हमने नया नाम दिया रिफ्लेक्शन या ड्राइवर या पिकअप प्रोब, ठीक है। इन दोनों भाई उसकी अपनी खासियत थी कि उसमें स्टैंडर्ड से हम लोग क्या कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे, जबकि दूसरा जब डिफरेंशियल आया तो उसकी अपनी एक खासियत हुई कि भाई हमें स्टैंडर्ड स्पेसिमेन की जरूरत ही नहीं थी कंपेयर करने के लिए। तो दोनों की खासियतों को यूटिलाइज करने के लिए हमने क्या किया, एक नया कॉन्फिगरेशन बनाया जिसे हमने नाम दिया रिफ्लेक्शन या ड्राइवर या पिकअप प्रोब। क्या नाम दिया, पिकअप प्रोब, ठीक है। तो अब भाई देखें तो इसमें क्या है, एक उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे पास क्या हुआ करती थी,
एब्सोल्यूट कॉइल में एक क्या थी, ट्रांसमीटर कॉइल थी या ड्राइवर कॉइल थी, वो हो गई ठीक है। ट्रांसमीटर कॉइल के बाद यहाँ दूसरे हिस्से में क्या होगा, अब जो कॉइल सर्किट होगा वो दो हिस्से में ब्रेक कर जाता है, ठीक है क्लियर। ठीक है ये मेरा एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट के हिस्से से आया कौन सी है, ट्रांसमीटर कॉइल है, कौन सी है, ट्रांसमीटर कॉइल ठीक है। और वही ये हिस्सा कहां से आया हमारा, डिफरेंशियल से, और ये बन गया हमारा रिसीविंग सर्किट, ठीक है रिसीविंग सर्किट क्लियर। और साथ में अब यहां पे डिटेक्टर कहां पे लगा, डिटेक्टर लगा दिया गया यहां से आने वाली चीजों पे, और यहां से जो वैल्यू आई और यहां से जो वैल्यू आई, इन दोनों को कौन डिटेक्ट कर रहा है, डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा ठीक है क्लियर। इन दोनों ही डिफरेंस से जो वैल्यू जाती है उसको कौन डिटेक्ट करेगा, डिटेक्टर डिटेक्ट करता है क्लियर। और इधर क्या होता है, एक डिस्प्ले लगा दिया जाता है, यहां पे एक डिस्प्ले लगा दिया जाता है ठीक। और सप्लाई कहां से दी गई, मान लीजिए तो ये दोनों हिस्सों को कवर करती हुई एक, यहां मान लीजिए एसी सप्लाई गिवन है क्लियर ठीक है। अब इसमें क्या होगा, दोनों ही खासियतों को यहां पे आप क्या कर देंगे, स्टैंडर्ड, यहां पे क्या आपने कर दिया, स्टैंडर्ड डाल दिया, स्टैंडर्ड स्पेसिमेन जिसमें किसी भी तरीके का डिफेक्ट नहीं है, और इस पूरे में क्या कर दिया आपने, टेस्ट स्पेसिमेन को रख दिया। तो यदि इन दोनों में डिफेक्ट होगा इन दोनों हिस्सों में तो भी डिटेक्टर पकड़ लेगा ठीक है, और इससे तो कंपेयर कर ही रहा है डिटेक्टर, तो ये सर्किट कैसा हो जाता है क्लियर, ज्यादा इफेक्टिव सर्किट है डिफेक्ट पकड़ने के लिए। यानी आपस में यहां कहीं डिफेक्ट हुआ तो भी डिटेक्टर पकड़ेगा, क्योंकि यहां पे कैसा डिफरेंशियल प्रूफ जैसा काम करेगा, और साथ में ये कंपेयर किससे कर रहा है, स्टैंडर्ड रिजल्ट से भी कंपेयर करता चला जाएगा। तो किसी भी तरीके का डिफेक्ट हो तो इसमें क्या होगा, हम ये किसी भी तरीके के डिफेक्ट को रिफ्लेक्शन सर्किट क्या करेगा, पकड़ लेगा क्लियर ठीक है, ज्यादा सुटेबल हो जाता है। इसके बाद ये है हमारे कहां से सर्किट बने, मोड ऑफ ऑपरेशन की वजह से ठीक है, वेरियस मोड्स ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से हमने देखा। तो कौन कौन से सर्किट मिले मोड्स ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से, एक तो मुझे मिला कौन सा मिला, एब्सोल्यूट प्रोब, प्रोब मतलब सिंपली मोड ऑफ ऑपरेशन या इंस्ट्रूमेंट ठीक है, एब्सोल्यूट प्रोब मिला ठीक है। और क्या मिला, एक डिफरेंशियल प्रोब मिल गया ठीक, डिफरेंशियल प्रोब मिल गया, और एक रिफ्लेक्शन प्रोब मिल गया ठीक है, रिफ्लेक्शन प्रोब मिल गया ठीक। अब इनमें से किन्हीं भी दो को आपस में अटैच कर दिया जाए, यानी एब्सोल्यूट और डिफरेंशियल को जैसे रिफ्लेक्शन में किया गया था, इसी तरीके से और भी तरीके से इनको आपस में यदि अटैच करके कोई कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाएगा तो वो कहलाएगा हाइब्रिड प्रोब। क्या कहलाएगा, हाइब्रिड प्रोब। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, सिंपली किन्हीं दो चीजों को मिक्स करके जो चीज बनाई जाएगी वो हाइब्रिड कहलाती है क्लियर ठीक है। तो इस तरीके से मोड्स ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से हमने चार तरीके की टेक्निक्स देखी कि एडी करंट टेस्टिंग में जो कि यूज होती हैं, कि हम इस चार तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपनी एडी करंट टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं क्लियर ठीक है। अब हम लोगों ने कल जब देखा था कि फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे एडी करंट को ठीक है, फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे एडी करंट को ठीक। और एक चीज तो निश्चित तौर पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे थे, यदि फैक्टर्स की बात करें तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग तरीके की एडी करंट जनरेट हो रही थी, उसका अलग अलग डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होगा। ये हम लोगों ने इस बात की थी कि लो फ्रीक्वेंसी होगी तो उसका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन डेल कुछ ज्यादा होगा ठीक है, और वहीं यदि हाई फ्रीक्वेंसी होती चली जाएगी तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कैसा होता जाएगा, लो होता चला जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी एक चीज थी, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन थिकनेस, इन चीजों पे भी डिपेंड कर रही थी। इसी हिसाब से हम लोगों के एडी करंट टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो एक और क्लासिफिकेशन हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स जनरेट किए गए वो किस तरीके से जनरेट किए जाते हैं क्लियर ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, कौन कौन से तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स बने डिपेंडिंग अपॉन फैक्टर, फैक्टर के हिसाब से
कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बने, तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है डेडिकेटेड, डेडिकेटेड, डेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। डेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या, इन्हें कह सकते हैं स्पेशल पर्पज, स्पेशल पर्पज इंस्ट्रूमेंट्स, स्पेशल पर्पज इंस्ट्रूमेंट्स, यानी किसी खास तरीके के एप्लीकेशन के लिए बनाए गए इंस्ट्रूमेंट्स को क्या कहेंगे, डेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स कहेंगे या स्पेशल पर्पज इंस्ट्रूमेंट्स कहेंगे। क्लियर, जो कि किसी एक खास तरीके के टेस्ट स्पेसिमेंट्स को ही चेक करने के लिए बनाए गए, ठीक है। दूसरा जो तरीका है जनरल पर्पज, क्या फिर क्या हुआ, जनरल पर्पज, जनरल पर्पज भी होना चाहिए ना भाई, जनरल पर्पज वाला, तो मतलब जिनको कई तरीके के उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक, क्लियर। तो ये जनरल पर्पज इंस्ट्रूमेंट्स, इन्हीं को एक नाम दिया गया स्टैंडर्ड इंपीडेंस प्लेन डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट्स, जनरल पर्पज इंस्ट्रूमेंट्स को नाम दिया गया स्टैंडर्ड इंपीडेंस, इंपीडेंस, स्टैंडर्ड इंपीडेंस प्लेन डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट, प्लेन डिस्प्ले, डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। क्लियरली ये हैं क्या है, तो सिंपली क्या है, जनरल पर्पज इंस्ट्रूमेंट से, यानी एक तरीके से कई तरीके के उसमें हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद और एक चीज बनाई गई, मल्टी, मल्टी फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड कर रही है, ईडी करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, तो मल्टी फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट भी बनाए गए, ठीक है, मल्टी फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए, क्लियर। तो अब इसमें देख लेते हैं कि जो हमारे मल्टी फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट, डेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, स्पेशल पर्पज इंस्ट्रूमेंट्स, इनमें कौन कौन से किस किस तरीके से ये काम करते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, यानी स्पेशल पर्पज, जो केवल खास किसी पर्पज के लिए बनाए जाते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बात करते हैं, ठीक। काम क्या क्या करेंगे भाई स्पेशल पर्पज, सबसे पहले तो ये कैसे है, स्पेशल पर्पज इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो क्या होंगे, इनकी डिजाइन ऐसी होगी, डिजाइन, डिजाइन टू परफॉर्म, परफॉर्म अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, अंडर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कंडीशंस, किसी खास स्पेसिफिक कंडीशंस को में ही काम करने के लिए क्या किए गए होंगे, ये डिजाइन किए गए होंगे, ठीक है, विद मच इफिशियंसी। और जब कभी भी स्पेशल पर्पज बनाए गए हैं तो इफिशियंसी कैसी होगी, बहुत हाई होती है, विद मच इफिशियंसी, इफिशियंसी भी, जैसे मान लीजिए ड्रिलिंग, ड्रिलिंग करनी है हमें, मतलब होल ड्रिल करना है, तो एक ड्रिलिंग मशीन भी आती है और एक लेथ भी होती है, लेथ कैसी भाई, जनरल पर्पज मशीन है, मतलब उसमें और भी कई ऑपरेशन किए जा सकते हैं, लेकिन ड्रिलिंग में सिर्फ ड्रिल करना है, तो ड्रिल करने के लिए उसको ड्रिलिंग के लिए ही क्या किया गया है, स्पेसिफाइड किया गया, उसकी डिजाइन ही उसी हिसाब से की गई है, तो ड्रिलिंग के लिए उसकी जो इफिशियंसी होगी स्पेशल पर्पज मशीन के लिए वो क्या होगी, हाई होगी, ठीक। तो इसी तरीके से इसमें है कि यदि हम जो अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए डिजाइन करेंगे तो निश्चित तौर पे क्या होंगे, वो उसी काम को करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद काम वही, क्रैक डिटेक्टर, कौन कौन से काम परफॉर्म करते हैं, क्रैक को, क्रैक डिटेक्ट करने वाला काम तो करेंगे ही करेंगे, ठीक, कंडक्टिविटी भी मेजरमेंट करेंगे ही करेंगे, कल हम लोगों ने देखा ही था कि कंडक्टिविटी भी मेजरमेंट की जा सकती है इसमें, कंडक्टिविटी मेजरमेंट, और क्या करते हैं, थिकनेस को भी मेजर किया जा सकता है, थिकनेस ऑफ चाहे कोटिंग हो चाहे मटेरियल हो, थिकनेस ऑफ कोटिंग को भी मेजर किया जा सकता है, कैसे थिकनेस ऑफ कोटिंग को मेजर करते हैं, थिकनेस ऑफ कोटिंग या थिकनेस ऑफ मटेरियल को मेजर किया जा सकता है, कैसे, यदि मान लीजिए यहाँ पे किसी भी तरीके की कोटिंग होगी तो जब ईडी करंट जनरेट होंगी, ठीक, तो ईडी करंट जनरेट होगी तो यहाँ पे कुछ अलग कंडक्टिविटी मिलेगी, यहाँ पे कुछ अलग कंडक्टिविटी मिलेगी, और जहाँ सेफ मटेरियल होगा वहाँ पे अलग कंडक्टिविटी मिलेगी, और इस कंडक्टिविटी के जो डिफरेंस होगा उसको हम मेजर करके ये गेन कर सकते हैं कि ये मटेरियल कहाँ पे ये कंडक्टिविटी में चेंज आ रहा है, उस जगह से हम क्या कह देंगे कि भाई यहाँ तक इसकी कोटिंग है, डेप्थ ऑफ कोटिंग इतनी है, क्लियर, इस तरीके से। वही यदि थिकनेस ऑफ मटेरियल निकालनी है तो वो भी पता चल जाता है, थिकनेस ऑफ मटेरियल भी इससे मेजर किया जा सकता है, यानी डायमेंशंस भी मेजर की जा सकती है, कैसे कि हमें पता है कि मटेरियल ये मेरे पास यदि स्पेसिमेन है तो उसमें लगातार जो ईडी करंट जनरेट होते हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, लगातार डिक्रीज करता चला जाता है, तो यदि मैं ऊपर वाली
जो एडी करंट है उसका मैग्नीट्यूड मेजर कर लूं, और जो सबसे नीचे मैग्नीट्यूड है उसको मेजर कर लूं, ठीक। और इन दोनों में फिर वही फॉर्मूला लगा दूं, एन डेल बराबर 1/e की पावर n, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगी, थिकनेस भी मेजर की जा सकती है कि भाई कितना थिक है मेरा, ठीक है। तो अब यदि कंडक्टिविटी मेजरमेंट की बात करें तो कंडक्टिविटी मेजरमेंट के लिए सिंपली क्या है, करंट ही तो जनरेट हो रही है, और यदि करंट जनरेट हो रही है तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी क्या होती है, रो आर ए बाई एल, यहाँ से मेजर किया जाएगा रेजिस्टिविटी, और मुझे पता है कंडक्टिविटी क्या होती है, 1/ρ, यानी यहाँ से हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीजें जितनी हम लोगों ने कल देखी थी वही चीज यहाँ पे भी ये स्पेशल पर्पज इंस्ट्रूमेंट्स करते हैं, लेकिन खास स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए डिजाइन किए जाते हैं। किसके लिए, खास स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए। जैसे अब एक एक करके हम लोग इसमें कितने तरीके कॉन्फ़िगरेशन यूज है, कहाँ कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन किए जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन से स्पेशल पर्पज हमारे डिजाइन किए जाते हैं, उसमें सबसे पहला आता है पेंसिल प्रोब। क्या आता है, पेंसिल प्रोब, क्या आता है, पेंसिल प्रोब। पेंसिल प्रोब कैसा, सिंपली जैसे पेंसिल क्या होती है, पेंसिल होती है, पेंसिल मतलब जैसे मान लीजिए ये, ठीक। और या इसके बाद क्या हो जाता है, पेंसिल ऐसी कुछ एक निप टाइप, आगे पिन टाइप की बनती चली जाएगी, ठीक है, ठीक। तो इस ये क्या है, ये सिंपली किस लिए होंगे, ये हमारे बोर डायगोमीटर, बोर डाया इंस्पेक्शन में काम आते हैं। किसमें, बोर डाया इंस्पेक्शन, अंदर इसमें बाकी सारे कंसीडरेशन उसी तरह क्वाइल होगी, उसी तरह एडी करंट जनरेट करने वाली सारे सर्किट्स होंगे। अब क्या करेंगे, जब हमें किसी भी डाया का, किसी होल का यदि इंस्पेक्शन करना है, होल्स के अंदर यदि क्रैक डिटेक्ट करना है, तो उसके अंदर क्या कर देंगे हम, ये अपना पेंसिल प्रोब अंदर डाल देंगे, तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके यहाँ पे क्या, किसी भी तरीके का क्या करेगा, एडी करंट जनरेट करेगा। और एडी करंट जनरेट करने के लिए यहाँ और जो मेरा टेस्ट स्पेसिमेन है उन दोनों में जो भी डिफरेंस आएगा उसको डिटेक्ट करके मुझे एक रिजल्ट दे देगा। उस रिजल्ट से मैं क्या गेन कर सकता हूँ कि भाई हाँ इस होल में डिफेक्ट है कि नहीं है, किसी भी तरीके का क्रैक है कि नहीं है, इसका डाया कितना है, ये भी गेन किया जा सकता है, ठीक है। तो पेंसिल प्रोब, फिर इसके बाद और देखें तो दूसरा बोल्ट प्रोब भी आते हैं, बोल्ट को, बोल्ट भी डिजाइन करते हैं आप, तो उनके यदि, उनको यदि हमें क्या करना है, डिफेक्ट को इन्वेस्टिगेट करना है, तो बोल्ट प्रोब आते हैं। उसमें क्या होता है कि सिंपली इस तरीके से लेग बनी होती हैं, क्या बनी होती हैं, इस तरीके से दो लेग बनाई जाती हैं, ठीक है, ये दोनों लेग बनी होती हैं, ठीक। ये दोनों लेग यदि बन, अब इस तरीके से आगे कंफ्यूगर किया जाता है, ठीक है। तो अब ये लेग क्या होती हैं, ये बोल्ट सेक्शन में क्या हो जाती है, यदि मान लीजिए बोल्ट है तो ये बोल्ट के अंदर क्या हो जाएंगी, ये लेग टच करती है, ठीक। और फिर इसके बाद वही पुराना सिस्टम कि हमारा क्या होगा कि भाई यहां से करंट जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आने की वजह से इस बोल्ट में क्या होगा, एडी करंट का जनरेशन होगा। उस एडी करंट में जो जिस तरीके से भी डिफरेंस आएगा उसको डिटेक्ट करके ये क्या करेगा, मुझे रिजल्ट बता देगा कि भाई हाँ इसमें डिफेक्ट है कि बोल्ट में नहीं है। इसके बाद बोल्ट को यदि आपने देख लिया तो रिवेट के लिए भी कुछ बनाइए, तो रिवेट के लिए बनाए जाते हैं डाउट नट, डाउट नट प्रूफ, क्या डाउट नट प्रूफ बनाए जाते हैं, डाउट नट प्रूफ क्या, अब हम क्या किसको चेक करने जा रहे हैं, रिवेट को। ये किसके लिए होते हैं, फॉर बोल्ट्स, फॉर बोल्ट्स इंस्पेक्शन, ठीक है। वैसे रिवेट के लिए क्या किया जाएगा भाई, रिवेट कैसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ना, ठीक। अब ये मान लीजिए रिविट के लिए, तो या रिविट कैसी होती है, किसी भी दो प्लेट को यदि आप ज्वाइंट करते हैं रिविट सेक्शन से, मान लीजिए यहाँ पे, तो एक रिविट लगा देंगे ऐसे, और जब इसको हैमर किया जाएगा तो कुछ ऐसा सेक्शन बन जाएगा क्या, ऊपर नीचे, ठीक, कुछ ऐसा सेक्शन बन जाता है ना ऊपर नीचे, तो ये डाउट नट उठा करके उसके ऊपर पुट कर दिया जाता है, तो डाउट नट कहाँ फिल कर जाएगा, डाउट नट के अंदर ये रिविट फिट हो जाएगी, फिल कर जाएगी, ठीक है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहेगी, इसके डाया को हम घटा बढ़ा सकते हैं, क्लियर। तो क्या होगा, फिर वही फंक्शन अपना काम करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन करेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होगा तो इसमें एडी करंट जनरेट हो गया, उसको डिटेक्ट करके हम लोग क्या जान पाएंगे कि इस रिवेट ज्वाइंट में किसी तरीके का डिफेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन से, पेंसिल प्रूफ देख लिए हमने, फिर बोल्ट प्रूफ देख लिए, तो ये किसके लिए होते हैं, फॉर रिवेट्स,
फॉर रिवर्स चेकिंग, क्लियर। फिर इसके बाद एक होता है पैनकेक प्रोब। क्या होता है पैनकेक प्रोब? ये केवल सरफेस के लिए डिजाइन किए जाते हैं, पैनकेक प्रोब। इसमें क्या होता है कि ये सिंपली एक हैंडल होता है, ठीक। इस हैंडल के ऊपर यहां पे हो, ये इस तरीके से एक प्लेन सरफेस बना ली जाती है, ठीक है। इसके अंदर फिर वही पुराने सर्किट कई सारे होंगे, ठीक है। तो अब ये किसी सरफेस को यदि इन्वेस्टिगेट करना है मुझे, तो वहां पे काम करता है कि इसके ठीक सरफेस के ऊपर इसको ले जाया जाता है, और जब सरफेस से तुझे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा तो क्या होगा, उसी तरीके से फिर एडी करंट जनरेट होगी सरफेस में। उसको मीजर करके ये क्या बता देता है कि सरफेस में किसी तरीके क्रैक्स है कि नहीं है, इस बारे में बात करते हैं, क्लियर, ठीक है। ठीक है, तो अब और एक तरीके का यूज किया जाता है, सील्डेड प्रॉप यूज किए जाते हैं, सील्डेड प्रॉप्स। सील्डेड प्रॉप्स में क्या होता है भाई, सील्डेड प्रॉप्स में सिंपली क्या, सील्डिंग किसी चीज की क्या कर देते हैं, सील्डिंग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कॉइल है, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या कर दिया जाता है, किसी चीज से एक सील्डिंग प्रोवाइड की जाती है। जैसे मान लीजिए जो फेराइट सिलेंडर की हमने क्या कर दी, यहाँ पे ये जो सिलेंडर बनाया इसके चारों तरफ फेराइट का बना दिया, किसका बना दिया, फ्राइट का बना दिया। तो ये क्या करता है, यदि फ्राइट का बनाया तो निश्चित तौर पे कैसा है, मैग्नेटिक मटेरियल है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को लीक, मैग्नेटिक फ्लक्स इंट्रैक्शन विद बाउंड्रीज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन रोकता है। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है किसी भी तरीके के मैग्नेटिक फ्लक्स को, जब हम इसके अंदर रखेंगे तो इधर की ओर ना जाए, ठीक, पूरे का पूरा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, हमारी उसी सरफेस के ऊपर जनरेट हो, तो जो ये बाउंड्रीज हैं वो उस तरफ क्या हो, लीकेज ना हो फ्लक्स। इस चीज के लिए क्या कर देते हैं हम लोग, कई बार फेराइट सिलेंडर या इस तरीके की क्या कर देते हैं, एक सिलेंडर बना दिया जाता है, कवरिंग प्रोवाइड कर दी जाती है, क्लियर, ठीक। और अब इसके बाद बात कर लेते हैं जनरल पर्पज प्रूफ की, किसकी, जनरल पर्पज प्रूफ। स्पेशल पर्पज प्रूफ तो क्लियर हो गए, ठीक है, अब बात करते हैं जनरल पर्पज प्रूफ की। जनरल पर्पज प्रूफ, ठीक है, जनरल पर्पज प्रूफ, या इन्हीं को क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड इंपीडेंस प्लेन डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, मुझे पता है जनरल पर्पज इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो निश्चित तौर पे एक से अधिक कंडीशंस के लिए होंगे। फिर तो इनका जो सबसे बड़ा फायदा है कि ये क्या करते हैं, ये डिस्प्ले दी कंडीशंस ऑफ डिफेक्ट्स इन कैरेक्टरिस्टिक्स मैनर, कैरेक्टरिस्टिक मैनर मतलब सिंपली क्या कि ये जो डिफेक्ट आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसके बारे में भी इसमें बताने की कोशिश की जाती है। जब इनको डिजाइन किया गया तो इसका जो डिस्प्ले है और क्या किया गया उसको थोड़ा सा क्या किया गया, इनहेंस किया गया, यानी किस तरीके के डिफेक्ट इसमें हो सकते हैं उसके बारे में भी ये बताने की कोशिश करता है, क्लियर, ठीक है, जनरल पर्पज इंस्ट्रूमेंट्स में। और कौन कौन से फैक्टर्स इसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे कम जो फैक्टर्स हम लोगों ने देखे थे, फ्रीक्वेंसी अफेक्ट करती है तो फ्रीक्वेंसी भी इसमें वेरिएबल कर सकते हैं आप, सेंसिटिविटी यानी डिस्टेंस भी इसको सिंपली क्या करती है, वेरी करती है, तो आप इसमें डिस्टेंस को भी वेरी करके आप चेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, रोटेशन ऑफ फेज
इसके बारे में बात कर सकते हैं। फिल्टर्स, गेट्स, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। क्या होती हैं? फिल्टर्स होते हैं, गेट्स होते हैं, ठीक। फिल्टर्स क्या होते हैं? सिग्नल्स को सिंपली और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए लगाए जाते हैं। गेट्स यानी ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स देना है, कम मैग्नेटिक फ्लक्स देना है, उसके बारे में भी इसमें। तो ये जनरल पर्पज इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं। तो उसमें इन सारे वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं आप? वेरी करके आप रिजल्ट्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरल पर्पज में, ठीक है, तो इसमें कई तरीके के इसमें आते हैं, जैसे सरफेस प्रूफ, ठीक है। तो ये भी ओरिएंटेशन के हिसाब से हो जाएगा। तो जनरल पर्पज प्रूफ इतना ही ठीक है इसके बारे में, ठीक। इसके एग्जांपल्स में सारे ही वो आ जाएंगे, फिर कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। फिर देखते हैं मल्टी मीटर, मल्टी फ्रिक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। तो मल्टी फ्रिक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। मल्टी फ्रिक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या कि इसमें ढेर सारी फ्रिक्वेंसी, आप क्या करते हैं इसमें, जब मल्टी फ्रिक्वेंसी है तो इसमें ढेर सारी फ्रिक्वेंसी में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल फ्रिक्वेंसी में आप काम कर सकते हैं, मल्टीपल फ्रिक्वेंसी वर्क। अब ये मल्टीपल फ्रिक्वेंसी में आप वर्क कर सकते हैं, तो इनका जो डिस्प्ले होता है ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे अलग अलग क्या करता है, रिजल्ट्स जनरेट करता चला जाता है, ठीक। मान लीजिए ये 10 हर्ट्ज पे है, ये 20 हर्ट्ज पे है, 30 पे, ये 40 पे, ये 50 पे, ये 60 पे, ये 70 पे, ठीक। फिर क्या करता है, इन सारे रिजल्ट्स को भी सिमुलेट करके एक सिंगल कंबाइंड रिजल्ट भी प्रोवाइड करता है। तो हमें क्या होता है, ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस करने को मिल जाती है। क्या मिल जाती है? ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस करने को हमें मिल जाती है कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसी के साथ हमारा ये हमारा जो डिफेक्ट है वेरी कर रहा है, क्लियर, ठीक है। और फिर इसके बाद देखते हैं कॉन्फिगरेशन के हिसाब से किसके। अब मुझे पता है, ठीक, तो ये तो बेसिक टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स थे। अब मुझे पता है कि जब कभी भी डी करंट जनरेट होती है ऐसी, ठीक है, एडी करंट ऐसे सर्कुलर मैनर में ही जनरेट होगी, ठीक, और घटती चली जाएगी। तो यदि एडी करंट ऐसे जनरेट हो रही है, तो यदि डिफेक्ट ऐसा है तब तो इसमें क्या होगा, काफी बड़ा चेंज होता है, और उसी तरीके से जैसे मैग्नेटिक फील्ड में होता था तो मुझे इजीली पता चल जाएगा, ठीक, काफी बड़ा एडॉप्शन मिलेगा। पर वही यदि डिफेक्ट पैरेलल निकला तब क्या होगा, ठीक, यदि डिफेक्ट जैसे ईडी करंट ऐसी है, तो यदि डिफेक्ट भी ऐसा ही हो तो फिर क्या होगा, ईडी करंट इसको डिटेक्ट नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है, कहां पे, ओरिएंटेशन ऑफ डिफेक्ट, ओरिएंटेशन ऑफ डिफेक्ट पे भी क्या होता है, डिपेंड करता है कि ईडी करंट किस तरीके से बिहेव करेंगी। तो यदि ये कैसी है, ईडी करंट के परपेंडिकुलर है मेरा डिफेक्ट, क्या ईडी करंट हो गई, ईडी करंट और उसके परपेंडिकुलर है डिफेक्ट, तब तो इजीली। पर वही ईडी करंट के यदि पैरेलल है डिफेक्ट तो दिक्कत है, तब वो उसको नहीं पकड़ पाएगी। तब इस तरीके से उसके हिसाब से, ओरिएंटेशन के हिसाब से भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को जनरेट किया गया कि भाई पैरेलल डिफेक्ट्स को भी हमें क्या करना है, गेन करना है, तो उसके लिए कैसे क्या किया जाए, ठीक। तो ओरिएंटेशन के हिसाब से भी क्या हुए, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स जनरेट होते हैं। तो देख लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ओरिएंटेशन, depends on the basis of orientation, on the basis of orientation कितने तरीके के instrument generate होते हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले surface probe, क्या आते हैं, surface probe। तो surface probe तो simply basic वही है कि मेरे पास इस तरीके से coil है, ठीक, और coil के नीचे इस तरीके से यदि हमारा material रखा हुआ है तो मुझे पता है कि क्वाइल के जो टर्न्स हैं, टर्न्स के पैरेलल ही मेरी क्या होती है, ईडी करंट का जनरेशन होता है। हमेशा टर्न्स के पैरेलल ही ईडी करंट जनरेट होती हैं। तो इस तरीके से, तो ये सरफेस प्रूफ सरफेस के लिए होते हैं, और सरफेस के कौन से डिफेक्ट के लिए, खासकर जो परपेंडिकुलर डिफेक्ट होंगे उनको तो इजीली पकड़ लेता है, ठीक है, क्लियर। और इस तरीके कॉन्फिगरेशन को बॉबिन टाइप भी कहा जाता है, किस तरीके से, बॉबिन टाइप कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, एक नाम और दिया जाता है बॉबिन टाइप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है।
वही दूसरे तरीके के जो कॉन्फ़िगरेशन इसी में सरफेस प्रोब में ही यूज होते हैं कि भाई ये तो पैरेलल को परपेंडिकुलर वाले को तो पकड़ लेगा, पैरेलल को छोड़ देगा, तो उसके लिए जो दूसरा तरीके का यूज होता है प्रोब वो कहलाता है हॉर्स शू टाइप प्रोब। कैसा? हॉर्स शू टाइप या गैप टाइप। ये क्या है? हॉर्स शू टाइप और गैप टाइप होता है, गैप टाइप कॉन्फ़िगरेशन है ये। ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें इस तरीके से आप आपकी कॉइल है, ठीक, और यदि मान लीजिए आपकी सरफेस ये है, ठीक है, तो अब इस समय क्या होगा, अब टर्न के हिसाब से मैंने कहा जैसे जैसे टर्न होता है उसी तरीके से ईडी करंट का जनरेशन होगा, तो अब ईडी करंट ऐसे जनरेट होंगी क्योंकि टर्न के पैरेलल, यहां पे टर्न कैसा ऐसा तो ईडी करंट कैसी ऐसी, यहां पे टर्न कैसे ऐसे तो ईडी करंट का भी जनरेशन ऐसे होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरीके से यहां पे क्रिएट होगा, इस तरीके से पास करेगा, और ईडी करंट कैसे होंगी, इस तरीके से टर्न के पैरेलल जनरेट होंगी। क्लियर? ठीक है, तो अब इस तरीके में यदि मेरे पास कैसा हो गया, यदि ये ऐसा भी है तब भी क्या करेगा, अब इजीली मैं इन दोनों तरीके के डिफेक्ट को गेन कर सकता हूं। क्लियर? ठीक है, तो इसमें हॉर्स शू टाइप में हम लोग पैरेलल टाइप का डिफेक्ट भी, पैरेलल टू सरफेस, सरफेस के ईडी करंट के जो पैरेलल डिफेक्ट होंगे उनको भी हम लोग पकड़ पाएंगे, जो जो डिफेक्ट यहां पे ऐसा था वो अब यहां पे यदि ऐसा हुआ तो इसको भी इसमें पकड़ा जा सकता है। क्लियर? ठीक है, तो ये क्या है, अब ये दोनों तरीके, ये हम लोग बॉबिन टाइप हॉर्स शू टाइप बना रहे हैं। ठीक, तो एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन भी सोचा गया कि भाई जो दोनों काम एक साथ कर दे, तो उसको हमने नाम दिया, ठीक है, उस जो हमारे क्या करे, इसको भी पकड़े इसको भी पकड़े, इन दोनों को यदि एक साथ कोई पकड़ ले तो उस, तो हमने उसको क्या नाम दिया, क्रॉस एक्सिस प्रोब बताया। क्या नाम दिया? क्रॉस एक्सिस प्रोब, जो दोनों ही तरीके के डिफेक्ट को एक साथ काम करे। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहां पे एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने क्या कर दिया, दो कॉइल यूज कर ली। ठीक है, तो अब इससे जो जनरेट होगी, यदि मान लीजिए यहां पे हमने अब टेस्ट स्पेसिमेन रखा, ठीक है, तो ये जो जनरेट करेगी ईडी करंट वो ऐसी वाली जनरेट करेगी, टर्न के पैरेलल जनरेट करेगी, और ये जो जनरेट करेगी वो कैसी, ऐसी वाली जनरेट करेगी। ठीक, ईडी करंट, तो टर्न के पैरेलल यदि ईडी करंट जनरेट होगी तो अब दोनों तरीके की ईडी करंट जनरेट होंगी, या चाहे वो पैरेलल हो चाहे परपेंडिकुलर हो, दोनों तरीके के डिफेक्ट क्रॉस एक्सिस प्रोब में पकड़ जाते हैं। क्लियर? ठीक है, तो क्लियर है, तो ये ओरिएंटेशन के हिसाब से हो गए। क्लियर? तो ये ओरिएंटेशन के हिसाब से तीन तरीके के सर्किट, एक बॉबिन टाइप यूज किया जाता है, दूसरा हॉर्स शू टाइप, तीसरा क्रॉस एक्सिस प्रोब भी यूज किए जाते हैं। तो ये ओरिएंटेशन को, हमारे डिफेक्ट का ओरिएंटेशन भी क्या करता है, ईडी करंट टेस्टिंग में डिफेक्ट को पकड़ने में क्या करता है, डिफिकल्टी प्रोवाइड करता है, तो उसको दूर करने के लिए ओरिएंटेशन के हिसाब से भी अलग अलग प्रोब्स बनाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं और भी कुछ प्रोब्स अलग तरीके से आते हैं उनके बारे में, तो उसमें दो तरीके के, एक होता है रिफ्लेक्शन प्रोब, ठीक, और एक आता है एक्स्ट्रा में इन सर्कलिंग प्रोब। तो इन सर्कलिंग प्रोब क्या होते हैं, ये सिंपली वायर रोप, ठीक, इस तरीके की चीजों का डिटेक्शन के लिए काम करते हैं। एक इनमें किसी भी तरीके का डिफेक्ट है उसको पकड़ने का काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो अब ये वायर या रोप क्या होते हैं, इनके क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या डाया क्या होता है बहुत कम होता है, तो उनको सिंपली क्या कर दिया जाता है, इसके अंदर रख दिया जाता है और इसको घेरे हुए इस तरीके से क्या होती है, हमारे पास डिफरेंशियल कॉइल्स होती है। क्या होती है? डिफरेंशियल कॉइल्स होती हैं जो एक केसिंग में बंद होती हैं। तो ये तो मेरी क्या हो गई, ये डिफरेंशियल कॉइल हो गई, डिफरेंशियल कॉइल होती है इसमें, ठीक है, डिफरेंशियल सर्किट का यूज किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये सिंपली वायर या हमारा टेस्ट स्पेसिमेन है, ठीक। अब डिफरेंशियल सर्किट का यूज किया गया है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे वायर के दो अलग अलग हिस्सों को कंपेयर करेंगे, यानी शुरू का हिस्सा यदि हमने देख लिया कि भाई क्या है, डिफेक्ट फ्री है, तो उसी के हिसाब से मैं अपना देखता चला जाता हूँ कि हाँ ये हिस्सा डिफेक्ट फ्री है, ठीक,
तो उस समय सिग्नल जीरो होगा। जैसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे जहां पे भी डिफेक्ट होगा तो सिग्नल जनरेट होने शुरू हो जाएंगे और मुझे पता चल जाएगा वायर में इस जगह पे डिफेक्ट है। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, वायर रेटेस्ट स्पेसिमेन को भी क्या कर सकते हैं हम लोग, चेक कर सकते हैं। ये इन सर्कलिंग प्रोब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इन सर्कलिंग प्रोब कहलाते हैं, ठीक है। वहीं रिफ्लेक्शन प्रोब की बात की जाए तो रिफ्लेक्शन प्रोब में, यहां पे रिफ्लेक्शन प्रोब में सिंपली उसी तरीके के सर्किट की ट्रांसमीटर कॉइल होती है। बस अंतर यहां पे हो जाता है कि ट्रांसमीटर कॉइल के अंदर ही हमारी रिसीविंग कॉइल भी यूज की जाती है, ठीक है। तो ये बाहर ट्रांसमिटिंग कॉइल होती है, ट्रांसमीटर कॉइल, ठीक है, और अंदर होती है ये रिसीविंग कॉइल। तो इनका कोई खास पर्पज अभी तक समझ में मुझे आया नहीं, तो इसका कोई खास पर्पज मुझे नहीं दिखता कि कोई नया इसमें कोई यूज होता है, पर इन सर्किट प्रोब का वायर रोप इन सब के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, क्लियर। तो हमने जितने भी तरीके के प्रोब या कॉन्फ़िगरेशन यूज किए जा सकते थे, इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जा सकते थे, वो हमने सारे देख लिए हैं, ठीक है। तो ईडी करंट टेस्टिंग में करना सीख गए कौन कौन से। शुरुआत हमने कहां से की थी कि हमारे पास एब्सोल्यूट प्रूफ सर्किट होना चाहिए, डिफरेंशियल प्रूफ सर्किट होना चाहिए, रिफ्लेक्शन प्रूफ सर्किट हम लोगों ने बात की। फिर इसके बाद उसमें देखा कि जनरल पर्पज इंस्ट्रूमेंट्स जो बनाए गए उनके बारे में बात की कि जनरल पर्पज इंस्ट्रूमेंट्स, स्पेशल पर्पज इंस्ट्रूमेंट्स किस तरीके से होंगे। जनरल पर्पज में सभी तरीके के वेरिएबल्स को कंसीडर करके इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं। वहीं मल्टी फ्रिक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए जो फ्रिक्वेंसी को खासकर कंसीडर करके बनाए गए, क्लियर। ये चीजें हम लोगों ने बात की। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है, उसी तरीके से डिफेक्ट का ओरिएंटेशन होगा तो पकड़ने में दिक्कत होगी, उसके लिए अलग अलग ओरिएंटेशन के हम लोगों ने क्या बनाए, प्रोब्स बना लिए, क्लियर। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, ढेर सारे जितने हो सकते थे ईडी करंट टेस्टिंग के प्रोब्स मेथड्स हम लोगों ने सीख लिए। अब जो सबसे फिर लास्ट में एक ही काम आता है, क्या होता है कि भाई क्या चेक करें, एडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं और एप्लीकेशन क्या है। तो भाई चलो शुरू करते हैं, क्या क्या एडवांटेज होंगे, ठीक। तो कौन से एडवांटेज होंगे, एडवांटेज सबसे पहले क्या होंगे, हमारे पास सरफेस एंड सब सरफेस दोनों तरीके के डिफेक्ट यहां पे भी मिल रहे हैं, ठीक। सरफेस सब सरफेस डिफेक्ट दोनों आपको मिल जाएंगे। और क्या हो सकता है, पोर्टेबिलिटी है, क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग तरीके के बनाए तो पोर्टेबिलिटी है इंस्ट्रूमेंट्स में, पोर्टेबिलिटी है, पोर्टेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, कहीं पे भी ले जाकर चेकिंग कर सकते हैं। और कैसे होते हैं, फास्ट होते हैं, क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, क्यों, क्योंकि सिर्फ करंट का मेजरमेंट ही तो करना है तो फास्ट हो गए, क्लियर। फिर और क्या, कॉन्टैक्टलेस ऑपरेशन होता है, कॉन्टैक्टलेस ऑपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्या किसी भी तरीके की टचिंग की जरूरत है क्या, हमारे जो भी थे दोनों टेस्ट सर्किट और टेस्ट कॉइल और जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनके बीच में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए ना ईडी करंट जनरेट होने के लिए, तो उस गैप तो निश्चित तौर पे उसमें क्या है, किसी तरीके कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती है। और क्या करता है, ये कंडक्टिविटी को भी मीजर कर सकता है, कंडक्टिविटी को मीजर करता है, ठीक है, जो बाकी उसमें पॉसिबल नहीं था। और क्या, ठीक, फास्ट प्रोसेस है, इमीडिएट रिजल्ट देते हैं, ठीक, डायरेक्ट मेजरमेंट किया तुरंत आपको रिजल्ट भी मिल जाता है, इमीडिएट रिजल्ट, ठीक। और क्या होता है, और यहां पे डिटेक्ट कर सकता है, डिटेक्ट थ्रू सरफेस कोटिंग्स, यदि ऊपर किसी भी तरह की कोटिंग है उसको भी क्या कर सकते हैं आप लोग, उसके अंदर भी इसका काम हो सकता है, ठीक है। बस शर्तें कैसी होनी चाहिए, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव कोटिंग ही होनी चाहिए। अब यहाँ पे चाहे फेरस हो चाहे नॉन फेरस, फेरस हो या नॉन फेरस मटेरियल हो, दोनों तरीके के मटेरियल भी यहाँ पे चेक किए जा सकते हैं। वहीं फेरस मटेरियल भी क्या हो जाते थे, एबव क्यूरी टेम्परेचर, यदि फेरस मटेरियल एबव क्यूरी टेम्परेचर लेके जाते थे तो क्या हो जाते थे, ये पैरामैग्नेटिक हो जाते थे, तो वहां पे भी हमें क्या हो जाती थी, एबव टेम्परेचर पे भी हमें दिक्कत महसूस होती थी मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग में। तो उस तरीके की टेस्टिंग भी हम लोग इसमें कर सकते हैं, एडी करंट टेस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ढेर सारे एडवांटेज हो गए,
और क्या कर सकते, अब लिमिटेशंस क्या क्या हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो किसके बारे में बात कर लें, लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं, तो लिमिटेशंस भी देख लेते हैं भाई। तो देखते हैं लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं, लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। क्लियर, किसके बारे में बात कर लें, लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं, तो देखते हैं। सबसे पहला जो लिमिटेशन है क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्रोब एंड टेस्ट स्पेसिमेन मेंटेन्ड कांस्टेंट, क्या रखना पड़ता है, कांस्टेंट होनी चाहिए। इसलिए जो डिस्टेंस है प्रोब की और इंस्ट्रूमेंट प्रोब है हमारे पास, ठीक है, और टेस्ट स्पेसिमेन है, उनकी जो बीच की डिस्टेंस में चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं एडी करंट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और आप जिस तरीके से डिफेक्ट पकड़ रहे थे वो भी नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो उनके बीच डिस्टेंस का चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, सरफेस फिनिश इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर, ठीक। जो सरफेस में यदि रफनेस होगी तो ईडी करंट टेस्टिंग उसको वही ऊपर ही क्या करने लगेगी, डिटेक्ट करने लगेगी, तब भी दिक्कत होगी, तो सर ऊपर की सरफेस को फिनिश किया जाता है, ठीक है। और क्या, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज एरियाज। जो ईडी करंट जनरेट होती है बहुत थोड़ी जगह के लिए ही जनरेट होती है, बहुत बड़े एरिया में ये फैलती नहीं है, इस वजह से क्या होती है, लार्ज बड़े बड़े एरियाज को आप इसमें नहीं कंपेयर कर सकते। जैसे लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग में क्या होता था, चाहे जितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट हो एक बार में खत्म हो जाता था, लेकिन यहाँ पे आपको छोटे छोटे हिस्से बना करके चेक करने पड़ेंगे। और लिमिटेड डेप्थ ऑफ ऑपरेशन भी होगा क्या, बिल्कुल सीधी सी बात है भाई। क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे तो आपकी जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है वो क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है, ठीक। तो वो भी हमारे क्या होता है, दिक्कत कर जाता है। और फिर बाकी वही अपने पुराने वाले स्किल पर्सोनल रिक्वायर्ड होगा, ठीक, इसके। और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट डिफिकल्ट होगा, ये तो हमारे हर सब में होंगे कॉमन। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट कैसा होगा, डिफिकल्ट होगा। और क्या होगा, मटेरियल मस्ट बी कंडक्टिव, यानी नॉन कंडक्टिव मटेरियल के लिए नहीं होगा, ठीक। मटेरियल मस्ट बी कंडक्टिव, मटेरियल भी कैसा होना चाहिए, कंडक्टिव होना चाहिए, क्लियर। नॉन कंडक्टिव मटेरियल यहाँ पे भी नहीं होगा, और ठीक। और ले सकते हैं वेरी ससेप्टिबल टू मैग्नेटिक चेंजेस, किसी भी तरीके का मैग्नेटिक चेंज यदि अगर करेगा तो भी आपका क्या होगा, रिजल्ट फेल कर जाएगा। तो इस तरीके से हो सकते हैं, क्लियर, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस, एडवांटेज और लिमिटेशंस के बारे में बात कर ली, ठीक। एप्लीकेशंस देख लेते हैं, कहां कहां पे एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, तो यदि बात करते हैं एप्लीकेशन की, कहां की एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन तो चाहे फेरस हो मटेरियल या नॉन फेरस हो, दोनों ही तरीके के मटेरियल्स में ये एप्लीकेबल होगा। फेरस मटेरियल एट एबव क्यूरी टेम्परेचर वहां पे भी क्या होगा, मेरा ये काम करेगा। और कहाँ पे यूज होता है, रेल इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, क्योंकि ये बहुत तेजी से काम करता है, और मुझे वहाँ पे ढेर सारी इतनी लंबाई की यदि चीज़ें चेक करनी होती हैं रेल की पटरियों में, खासकर जहाँ पे रेल दौड़ती है उसको चेकिंग करने के लिए हम लोग ईडी करंट टेस्टिंग का ही यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। कैसा है, फास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। और फिर टेस्टिंग ऑफ वही पुराने सभी कर सकते हो, टेस्टिंग ऑफ बिल्डेड, चाहे बिल्डिंग की गई हो, चाहे कास्टेड किया गया हो, चाहे रोल्ड किया गया हो, हर एक तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स में काम करती है। और क्या हो सकती है,
जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है यहाँ पे डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स इन ट्यूब्स, ट्यूब्स में भी, क्योंकि पेंसिल प्रूफ क्या थे, बहुत छोटे डाया पे भी डिजाइन किए जा सकते हैं, तो ये ट्यूब ऑफ हीट एक्सचेंजर्स में भी क्या ट्यूब या आपके बॉयलर्स की ट्यूब हो गई, ठीक, तो इन सब के भी एप्लीकेशंस में आ सकते हैं। क्लियर? ठीक, क्लियर। तो ये एप्लीकेशन भी हो गए, तो एडवांटेज, लिमिटेशन, एप्लीकेशन, क्लियर, कोई दिक्कत। अब इसके बाद कुछ केस स्टडी के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? एक कुछ इसमें केस स्टडी दी गई, जैसे रेलवे में कौन कौन से डिफेक्ट देखती है, केस स्टडी में कुछ केस दिए गए हैं, तो जिसमें रेलवे में कौन कौन से डिफेक्ट यूज करते हैं देखने के लिए, ठीक है। और फिर इसके बाद केस स्टडी में कहाँ पे ट्यूब्स ऑफ हीट एक्सचेंजर्स में भी ये यूज होती है, ठीक है, क्लियर। तो रेलवे में कौन कौन से डिफेक्ट जानने के लिए हम लोग कौन कौन से डिफेक्ट यूज करती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो रेलवे में सबसे ज्यादा इसका जो इफेक्ट क्या है, ये कैसा प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, फास्ट है, इमीडिएट रिजल्ट देता है, ठीक, तुरंत रिजल्ट क्या कर देता है, डिस्प्ले कर देता है। इसी वजह से रेलवे में जो पटरियां होती हैं, ठीक, रेल लाइन होती हैं, रेल लाइन के डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए इसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले तो यदि पटरी बनाई जाए तो कुछ ऐसी होगी, ठीक है, कुछ ऐसी होती है क्या, ठीक है, या कुछ ऐसी होती है, ठीक है। तो सबसे पहला ऊपर के हिस्से में ही क्या हो सकते हैं, डिफेक्ट हो सकते हैं, जिन्हें गेज, इन्हें क्या कहा जाता है, गेज, गेज फेस कॉर्नर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गेज फेस कॉर्नर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गेज फेस कॉर्नर कहा जाता है। ये किस लिए जनरेट हो जाते हैं, ये ड्यू टू एक्सटेंसिव प्रेशर, एक्सटेंसिव प्रेशर की वजह से क्या होता है, रेलवे में बहुत, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत बड़ा लोड इसमें पड़ रहा होता है, उसकी वजह से भी यहाँ ऊपर के हिस्से में ही क्या हो जाता है, कॉर्नर क्या हो जाते हैं, डिटेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह क्रैक्स को क्या कर सकती है हमारी एडी करंट टेस्टिंग इजीली डिटेक्ट कर लेती है, उसको भी देख सकते हैं, ठीक। और क्या होता है कि जब हमारे पास, मान लीजिए ये एक रेलवे लाइन है, ठीक, ये रेलवे लाइन जहाँ पे खत्म होती है, तो वहां पे किसी दूसरे, मान लीजिए रेलवे से दूसरे उससे ज्वाइन करना है, हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है, तो वहां पे हम लोग कुछ गैप छोड़ के क्या बोल्टेड सेक्शन का यूज करते हैं, क्या करते हैं, बोल्टेड सेक्शन का यूज करते हैं उनको जोड़ने के लिए, करते हैं क्या, ठीक। तो इनके बोल्ट्स भी क्या होते हैं, समय के साथ क्या हो जाते हैं, खराब हो सकते हैं बोल्ट होल्ड का अनर्स, ठीक है। तो इसमें भी जो क्रैक्स होते हैं उनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ईडी करंट टेस्टिंग की वजह से क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बोल्ट को भी मेजर कर सकते हैं, रिवेट भी इसमें ढूंढ सकते हैं, ठीक, तो इसको भी देख सकता है, ठीक। लिप नीचे वाले हिस्से में भी क्या होता है, नीचे वाले हिस्से में भी क्या हो सकते हैं, क्रैक्स हो सकते हैं ना, तो इन्हें लिप कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फुट क्रैक्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फुट क्रैक्स। तो इनको भी क्या कर सकती है, एडी करंट टेस्टिंग इजीली देख सकती है। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से, व्हील वर्म भी हो सकता है कि फ्रिक्शन जनरेट होता है जब ट्रेन क्या होती है, ट्रेन बहुत स्पीड से जा रही होती है, ठीक, तो ये जो हमारा ये ऊपर का हिस्सा है इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन क्या हो जाता है, समय के साथ चलते चलते ये कुछ ऐसा हो जाता है, कट जाता है, तो ये ड्यू टू फ्रिक्शन हो सकता है, फ्रिक्शन की वजह से होता है, ठीक, ये व्हील वर्म। तो इन सब चीजों को भी क्या कर सकती है, इडी करंट टेस्टिंग इसमें इस तरीके डिफेक्ट्स को क्या करती है, इजीली डील कर सकती है। यही हमें केस स्टडी में क्या होगा, बताना होगा किस किस तरीके के डिफेक्ट हम देख सकते हैं, ठीक। ट्यूब्स की बात करें, ट्यूब्स ऑफ हीट एक्सचेंजर्स, तो यहाँ पे क्या होगा, ढेर सारे यदि ट्यूब्स हैं, मान लीजिए कोई बेड है, ठीक है, बेड में क्या होंगे, ढेर सारे इस तरीके से ट्यूब गए होंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेंसिल प्रूफ रख करके उनकी क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, उसमें डिफेक्ट ढूंढ सकते हैं, तो ये उसमें भी यूज होती है, क्लियर। तो इस तरीके से हमारे जितना भी
कुछ हो सकता था एडी करंट टेस्टिंग में, चाहे उसके एप्लीकेशन, लिमिटेशन, एडवांटेज, कौन कौन से प्रोब्स यूज होते हैं, ओरिएंटेशन के हिसाब से कौन कौन से प्रोब यूज होते हैं, किस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं, ये सारी चीजें हमने क्या कर ली, एडी करंट टेस्टिंग के बारे में देख ली है। अब हमारी जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। क्लियर? ठीक है, तो इतना आज के लिए सफिशियंट रहता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, एडी करंट टेस्टिंग के नोट्स प्रॉपर मैनर में अपने हाथों से बना लीजिए। क्लियर? ठीक है, लेक्चर देखिए, लेक्चर देखते हुए कॉपी और उससे भी एक तरीके से फ्लैश नोट्स बनाते चले जाइएगा, तो उससे आपका क्या होगा, इजीली रिवीजन हो पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब फिर कल हम लोग क्या करेंगे, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।